नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिटेल स्ट्रैटेजी रिटेल स्ट्रैटेजी क्या है बेसिकली ये एक ऐसा प्लान है और सेट ऑफ प्लान हैं जो के हेल्प करते हैं गाइड करते हैं रिटेलर को ट्यूरिंग द कोर्स ऑफ इस बिजनेस बेशक वो फॉर uh, ईयर हो बेशक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो और रिटेलर अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव्स जो भी मिशन सेट करता है उनके एनालिसिस तक वो तमाम चीज़ें रिटेलर की स्ट्रेटजी का हिस्सा है इस रिटेलर स्ट्रेटजी को अगर प्रॉपर तरीके से एक रिटेलर बनाता है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो अल्टीमेटली रिटेलर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है तो इन स्ट्रेटजी के अंदर रिटेलर अपना मिशन अपने गोल्स अपने ऑब्जेक्टिव्स और वो तमाम बातें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स बिजनेस से रिलेटेड नंबर्स लीगल से रिलेटेड इन्वामेंट वो तमाम एस्पेक्ट को कवर करता है जो कि हम अपने आ, आने वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे डिस्कशन को सो रिटेल स्ट्रेटजी के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं जिससे एक पूरा बिजनेस जिससे एक आ, कूजे के अंदर बंद हो जाता है वो बिज़नेस को पूरी कंप्लीट पिक्चर है आपको इवेल्यूएट करने में रिटेलर को इवेल्यूएट करने में हेल्प होती है कि वो जो स्ट्रैटेजी बना रहा है वो अलाइंध है उसके ऑब्जेक्टिव से जो वो अचीव करना चाह रहा है क्या क्या बेनिफिट्स हैं रिटेल स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए रिटेल स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपसे शेयर करने लगा लगाऊँ तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सबसे पहला बेनिफिट ऑफ रिटेल की जो प्लानिंग है स्ट्रेटेजिक रिटेल प्लानिंग है उसका क्या है uh, सबसे पहला बेनिफिट इज दैट इट प्रोवाइड्स थॉर एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग बिजनेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर तो एक कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस देता है ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर डूइंग बिजनेस फॉर द रिटेलर तो रिटेलर को पता होता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट हैं अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए और तमाम टाइप्स ऑफ रिटेलर के लिए देर विल बी अ डिफरेंट एनालिसिस। सेकेंड बेनिफिट इज दैट इट आउटलाइंस रिटेलर गोल्स क्योंकि हम जब भी डिस्कशन करते हैं हम ये बात करते हैं कि रिटेलर को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वो किन गोल्स के ऊपर किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहा है सो रिटेल स्ट्रेटजी प्रॉपरली स्पेल आउट करती है रिटेलर के गोल्स को सो so, हमारा हमें बड़ा क्लियर होता है एज ए रिटेलर के वट यू आर गोइंग टू अचीव सो आप अगर क्लैरिटी इसके ऊपर है कि वट यू आर गोइंग टू अचीव आप यू विल बी एबल टू अचीव फॉर श्योर दैट पर्टिकुलर गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैन थर्ड बेनिफिट दैट इट अलाउज रिटेलर टू डिटर्मिन हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट्स सेल्फ फ्रॉम द कंपैटिटर तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिटेलर को उसके कंपैटिटर से डिफरेंशिएट करते हैं ये भी आपको रिटेलर को रिटेल स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्रेटेजिक रिटेल प्लानिंग के अंदर क्लियर होता है देन इसका जो बेनिफिट है दैट इट अलाउज रिटेलर टू डेवलप एन ऑफरिंग दैट अपील टू अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स रिटेलर को ये क्लियर होता है कि मुझे क्या ऑफ़र करना है क्या प्रोडक्ट ऑफर करनी है क्या सर्विस ऑफ़र करनी है क्या आफ्टर सेल सर्विस ऑफर करनी है जो कि मेरे कस्टमर को सेट ऑफ कस्टमर्स को मुतमीइन कर सके बेनिफिट दे सके देन इट ऑफर्स एनालिसिस ऑफ लीगल इकोनॉमिक एंड कंपेटेटिव एनवायरमेंट अगेन आपका रिटेल स्ट्रेटजी स्पेल आउट कर रही होती है कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द लीगल परसपेक्टिव कम्प्रीहेंसिवालिक इट प्रोवाइड देशन ऑफ द फॉर्म टोटल एफर्ट्स तो सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज सारे सेट ऑफ प्लान के दरम्यान वट आर दर्डिनेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म की टोटल एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड है ये उसको भी स्पेल आउट करती है एंड देन इट एनकर दी एंटिसिपेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ क्राइसिस जब आपके पास देर इज अ प्रॉपर प्लान अवेलेबल अ प्रॉपर स्ट्रेटजी अवेलेबल देन ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू एज ए रिटेलर के आपको क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन से को अवॉइड कर सकें या उस तरफ जा सकें एक रिटेलर के लिए अगर रिटेल uh, स्ट्रैटी की बात करें तो रिटेल स्ट्रैटी लाइफ ब्लड भी है रिटेल स्ट्रैटी उसकी बैकबोन भी है और शायद रिटेल स्ट्रैटी वो एक बीज है जिससे वो एक पौधा अभी क्रिएट होना है तो रिटेल स्ट्रैटी हर पर्सपेक्टिव में एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है जो कि रिटेलर को स्ट्रेंथ करता है रिटेलर को एम्पावर करता है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ को तमाम स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से ले ताकि वो जो फ्यूचर गोल्स हैं जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करने जा रहा है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सके